But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues. हम आज वीडियो बनाएंगे यहाँ, मतलब हमारे पास जो खबर आई थी यही आई थी कि यहाँ एक भट्टी है, फैक्ट्री चलती हुई फैक्ट्री है, बाकी एक भट्टी है, उसमें दो चार आदमी की मौत हो गई। मजदूर काम भी करते हैं, काम भी करते हैं अंदर, लेकिन फिर भी क्या है, नाइट में किसी की मरने पड़ती है। और क्या था इसमें जो आपने बात आई थी? तो भाई यही था कि आप यहाँ पर रुको, हमसे बोला गया था भाई आप यहाँ पर रुकिए, हमने पूछा था उनसे, फिर वो बोला, हमने बोला भाई ठीक है हम वहाँ पे रुकते हैं, आ गए हैं यहाँ पे। मतलब जो यहाँ का जो गार्ड है ना, वो गेट के, ये गेट है दिखाने पर, गेट है, गेट के साइड में लेफ्ट हैंड में ऑफिस है और यहीं पे गार्ड सोता है। अंदर तो उस गार्ड की हिम्मत नहीं जो अंदर इस फैक्ट्री में रात को घूम ले, भट्टी के पास चल जाए। हम आज उसी खूनिया भट्टी में जाएंगे, उस भट्टी के पास जाएंगे हम और वहाँ हम। तो भाई साहब ये अंकल जी हमको बताएंगे, अंकल जी बताओ क्या है इसकी वो? अंकल जी हमने ये सुना है कि जो ये फैक्ट्री है इसके अंदर एक भट्टी है, वहाँ पे क्या तीन चार आदमियों की मौत होगी बताई? हाँ मौत हुई है, हम जड़ के मरी गए। अच्छा बिल्कुल खत्म हो गए? बिल्कुल खत्म हो गए। तो आप यहाँ के मतलब गार्ड चौकीदार हो आप? हाँ चौकीदार ही। अच्छा तो आप हमको ले चलोगे वहाँ तक? अंदर तो ले चलूंगा, पर वहाँ पर पिछली तरफ हमारी हिम्मत ना पड़े जाने की, हम छह सात आदमी रहे रात, वहाँ नहीं जा एक। तो हमको वहाँ तक पहुँचा दो आप। वहाँ तक पहुँचा दूंगा पर मैं वहाँ रुकूंगा नहीं। ठीक है, तो काम आपका, आप रुको। कैसे क्या मतलब गाइस, इनका कहने मतलब ये है इनके, इन्होंने आंखों से देखा। अंकल जी आप कितने साल हो गए इस फैक्ट्री में? 15 साल चल रही है। 15 साल हो गए इनको, 15 साल से यहीं पे ये गार्ड पड़े का ड्यूटी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ जाना खतरा है, मतलब खतरे से खाली नहीं है, वहाँ को रात को जाएगा उसकी मौत ही होगी। तो ये एंट्री दिला देंगे वहाँ तक और फिर उससे आगे फिर अपन चलते हैं। हाँ भाई चलते हैं अपन अंदर। भाई हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हम मेन जो लोकेशन है फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं, बाकी जो भट्टी है वहाँ पर जा रहे हैं। तो गाइस हम कैमरे से देख रहे हैं ये भट्टी है वो, और ये अंकल जी है
कैमरा यहाँ पर लेके आना भाई, एक बार इधर दिखाना कैमरा, कैमरा यहाँ पर दिखा दो, ऐसे घुमा दे एक बार। ये अंकल जी है, अंकल जी हमको इस भट्टी पे लेकर आए। अब अंकल जी अब बताओ आप अमरसर रुकोगे या फिर किराए मतलब? ना मैं नहीं रुकूंगा, आप रुक जाओ यहाँ रात को, बल्लपन को ना छोड़े। मगर अंकल कहना ये जो यहाँ के जो आत्मा है भूत है ऑटोमेटिक बल्ब गायब हो जाते हैं, बल्ब फूट जाते हैं, और ये भट्टी में ऐसे लगता है कोई भट्टी में कोई आदमी खींच रहा हो अपन को, और इसमें अपना मौत होती है। ये वो खूनिया खूनिया बोलो चाहे भूतिया बोल दो कुछ, वो भट्टी है जिसमें ऑटोमेटिक आदमी मरता है, वो शक्ति है जो चुंबक खींचती है ऐसे अंदर खींचती है। तो चल अब इधर करते हैं फिर, अंकल जी तो जा रहे हैं अब, इसके बाद हम ही रुकते हैं यहाँ पे, रुकते हैं आपको दिखाते हैं। आप जा सकते हो, तुम बढ़ा लो, ठीक है, धन्यवाद अंकल। हाँ भाई, तो गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें पहली चीज है। हाँ ठीक है अंकल, धन्यवाद अंकल। पहली चीज जो पहली भट्टी है वो है ये, अब तो इसको दिखा एक बार, पूरी दिखा इस भट्टी को अच्छी तरह से, कैन जूम पर करके दिखा भाई, ये पूरी इधर लिया, इधर लिया भाई, ये भट्टी है, मजा मजा अंदर मजा, थोड़ा सा हम ये देखो क्या कर सकते हो, जूम करके दिखाओ, भट्टी है बात आ रही है, ये देखो इसमें चलाना कोई डंडा फंडा क्या है, फेंकाना मत, सब कुछ होता है क्या देखा, एक हाथ पानी छोड़ दो, भाई इस फैक्ट्री की एक खासियत है, आपने बहुत हमने फैक्ट्री दिखाई पर वो बंद थी, इसकी ये है कि ये बंद नहीं है ये चालू है। हाँ। पर यहाँ पे क्या आदमी की मौत हुई है तो यहाँ पे जो भाई गार्ड हैं जो ये बोलते हैं कि हमको वो दिखते हैं रात को क्योंकि वही रुकते हैं यहाँ पे, उनका कहना है कि ये बंद तो नहीं है चल रही है पर यहाँ मतलब पे कई बार देखा है, अचम्मा की चमत्कार की बात है, यहाँ पे 5-7 गार्ड यहाँ पर रुके हुए हैं, किसी भी गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं जो रात में हमारे साथ रुके, यहाँ पर किसी की हिम्मत ही नहीं यहाँ पे। अब आप सोच सकते हो ये इतना भयंकर उबल रहा है, इसके अंदर भी मरा था एक आदमी, इसमें गिर गया था वो, ये देखो इसमें आप देखो ये बॉयल कितनी भयंकर हो रहा है, इसके अंदर मौत हुई थी भाई, जो गार्ड ने बताया था जल के इसमें मौत होती है आदमियों की, पर कैसी आत्मा है यार, वो सबसे बदला ले रही है। दो चले एक बार अगर और लोग खड़े कर दिया, संभाल के चलना। हां चलो कुंडा फंडा मार दिया, आगे बता रहे थे ना इधर है, भाई ये वो ग्लव्स हैं जो इनको पहन कर है, मतलब कि यहाँ काम करते हैं। अरे देखिए मशीन वगैरह है ना, ये रही एक भट्टी, ये दूसरी भट्टी ये वाली है जहाँ पर उन्होंने, अब वो बता रहे थे अंकल ये बता रहे थे भाई हम यहाँ पे रुकते हैं रात को, तो रात को क्या होता है वो कई बार बाहर टॉयलेट वगैरह करने आते हैं तो यहाँ पे उनको, जबकि फैक्ट्री कितने बजे तक चलती है, 7 बजे तक, 7 या 8 बजे तक चलती है, आए चलते हैं। वो 11-12 बजे आते हैं तो बोला यहाँ पे 2-4 आदमी उनको काम करते हुए दिखाई देते हैं जबकि ये फैक्ट्री 7 बजे बंद हो जाती है, और ये मतलब यहाँ के बच्चे उच्चे आते हैं यहाँ पे। हाँ मतलब 7 बजे तक ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, सब चले जाते हैं, सिर्फ गार्ड रहते हैं 2, फिर यहाँ पे बंदे काम करने वाले यार कहाँ से आएंगे। नहीं और जो गार्ड के सामने गार्ड बता रहा था, अब यार ये बताओ ये क्या आइटम है, ये अपना चलता बताया
यहाँ पे आदमी पकड़ के आदमी चलाते हैं इसको। रात को गार्ड का कहना है कि हमारा सिवा कोई नहीं यहाँ पे, तो कौन इसको ऑटोमेटिकली बताए पर क्या होता क्या नहीं होता इनका। और जबकि ये फैक्ट्री 7-8 बजे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे हर वर्कर अपने घर चला जाता है। गार्ड है इसमें, आदमी है इसमें, लेकिन सब मेन गेट है, ऑफिस है वहीं पे उनका रहवास है, उनका वहाँ पे ऑफिस बन रहा है, उनका वहाँ पे एंट्री गेट पे रहते हैं। इनमें यहाँ पे क्या है ये, तो वाई फिफ्टी ये गेट है, ये भट्टी का। तो गाइस ये जो गार्ड है उनको बताया था ये लकड़ी, वो ऐसा बता रहा था कि रात को कोई आदमी आते 5-7 लकड़ी लेके जाते हैं भट्टी में डालते हैं, मतलब पूरा काम चलता है यहाँ पे, पूरा जैसे इंसान काम करता है आत्मा यहाँ पे काम करती है। जब फैक्ट्री क्लोज हो जाती है उसके बाद भी यहाँ पे काम चलता है, इनने देखा है कई बार, तो तभी वो हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। आपके सामने गार्ड से भाई बार बार बोला गार्ड हमें साथ चलो यहाँ पे, और भाई देखो गार्ड भी यहाँ के गार्ड नहीं है, बंगाल साइड के गार्ड है, कोई बंगाल है कोई बिहारी है कोई क्या है, मतलब की। अब हम एक बार उधर चलते हैं, दो जगह तो हम एक काम करें यार, अपने आपको उधर रुकते हैं ना, उधर ही अपन रुकते हैं थोड़ी देर। भाई थोड़ी देर हम यहाँ ही रुकते हैं, देखते हैं कि आपको कुछ दिखता है क्या यहाँ पे, फिर हमको कुछ दिखता है तो आपको भी जरूर दिखेगा। कहाँ पे ये देखो, जल्दी जल्दी क्या है अपना भी वो आई नहीं चलो 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 बैठा हुआ आदमी था, और ऐसे करके भाई एक बार रुक के देखते हैं यहाँ पे, हो सकता है आंखों को धोखा हो सकता है। गाइस मैं पक्का तो आपको बता नहीं सकता कोई मेरी आंखों का धोखा था या कोई रियल में कोई आत्मा थी, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि यहाँ इस जगह पे मेरे को कोई आदमी दिखा था बैठा हुआ, लेकिन पता नहीं यार यहाँ पे कोई वर्कर था या कौन था कौन नहीं ये कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पे उन आदमियों के अलावा तो कोई है नहीं जो बाहर है, और उनकी आने की हिम्मत है नहीं यहाँ पे, वो तो चले गए अभी बोल के भाई, वो तो वैसे ही चले गए, तो वो यहाँ पे आएंगे नहीं दोबारा। आगे बढ़ते हैं, इधर चलो, आ जा भाई इधर आ जा। जो आप जो सामने जो टैंक जो देख रहे हो 4-5 जो टैंक है इसमें तेजाब है, एक आदमी हमारा था इस तेजाब में, तेजाब गिर कर, और तेजाब है क्या इसमें कितना खराब होता है वो आपको पता है भाई। चलो नहीं चलो गाइस ये देखो ये तेजाब का जो टैंक है
अरे जॉब तो मार नहीं है और ऊपर दिखा दे इसमें दिखा दे इधर आना सामने देख असली तेज आ रही है बात दिखा पत्थर को पकड़ा रहे हैं पत्थर को पकड़ा ये देखो अड़े बड़े मत यार पत्थर का अगला था अपने का यो खाते अपन को खत्म हो गया देखो ये इधर ला ये भाई एक बार एक प्रूफ ये है कि वो सारा चौकड़ा उजाड़ है बोला भाई नहीं रख देते हैं फिर ये देखो अब ये यहाँ पे पड़ा है बोला सारे जो औजार हैं वो 7-8 बजे के बाद जब वर्कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो काउंटिंग होती है शाम के समय में कितने सामान तुम्हारे जो यहाँ का जो मैनेजर है वो सामान की गिनती करता है जो पूरा सामान जमा हो जाता है अब ये यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पड़ा है और यार हो सकता है कि कोई भूल गया हो भूल भी सकता है यार अरे यार देख के गिरा ये गिरा थोड़ा ये ग्लव्स देखो यह थोड़ा पड़ा यार भूल नहीं सकता अगर एक सामान था एक भूल भी सकता है आटा एक भूल सकता है दूसरा ये छोटे छोटे साइन होते हैं छोटे साइन होते हैं जिनको भाई नोट करना चाहिए मतलब एक कील होती है वो कील पे जमा होती है उसके लिए बस सिग्नेचर होता है इतना बड़ा बंदा बाहर रह लिया पे कैमरा करना ये भाई तेजाब टैंक है सिंपल पढ़ना होगा वैसा पानी शायद ये तो कोई यार भाई मात मत तेजा तो होगा ना टैंकर ये है ये भी तेजा आपका है तो भाई हम वहाँ से एंट्री करें उसके बाद ऐसे होते हुए पीछे से होते हुए और फिर हम आ गए हैं बाहर की तरफ एग्जिट है एक बार दिखा दे इसको ये एग्जिट पे बना हुआ है टैंकर कैमरा यहाँ देख यार ये कोई नहाने का आपके लिए बना टैंकर पे जाके बनाया हुआ तो इधर आ जाओ एग्जिट आ गए ना तो भाई इधर से हम एंट्री लिए थे फिर हमने पहला वो भट्टी देखी उसके बाद जो वहाँ पे तेजाब रहती है वो देखी तो भाई क्या महसूस हुआ तुम्हारे को भाई देखा महसूस की बात तो ये है एक जगह तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ था कि कोई आदमी वहाँ बैठा है ये सच में मेरे साथ ही हुआ था मेरे को तो एक सिर्फ एक वो लग रहा है जो वो बाहर जो अपन ने दो वो देखे हैं एक तो हथौड़ा और एक जब सारे सामान ले लिए जाते हैं तो ये सामान कहाँ से है यही समझ नहीं आ रहा गाइस क्योंकि यहाँ पे बाकायदा जैसे हाजिरी होती है इस तरह शाम के समय पूरा सामान जमा होता एक सामान काउंट करके रखा जाता है सब कुछ होता है उसके बाद ये जो दो सामान के बाहर पड़े हैं ग्लव्स पड़े हैं फिर चलो एक सामान के दम ये मान जाए भाई कोई नहीं कोई भूल गया होगा कुछ भी हो सकता है और आदमी की भी चलो ये थे पर यार लेकिन इतनी इतनी साइन
कुछ तो है, मतलब कुछ तो सच्चाई हो सकती है 5-10% 100% में से। क्योंकि पहले ये बता था रात को 12 बजे फैक्ट्री चलती है, 2 बजे तक फैक्ट्री चलती है। हाँ। अब अचानक क्या हुआ, 7 बजे के बाद फैक्ट्री बिल्कुल बंद है, 7 बजे क्लोज कर दी जाती है। गार्ड है जो वही है मेन गेट पे, अंदर गार्ड से इतना बोला यार अंकल जी आप साथ में चलो, हमारे साथ में वीडियो बनाओ, पर चलो उनका भाई इतना भी बहुत है कि वो यहाँ तक हमको छोड़ के गए हैं, कोई अच्छी बात है भाई। वो और लाइव प्रूफ तो ये है कि वो जो अंकल थे जो गार्ड आए थे खुद ये बात, हमने उस वो कितने साल बता ना 15 साल, हाँ 15 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसकी आंखों देख हुई बात बताई। और इतने बड़े आदमी है भाई, झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो कुछ तो सच्चाई है। तो चलो भाई हम तो अभी तक हम तो हमारे हिसाब से तो कुछ था नहीं, कुछ ओके है जो महसूस हुआ था, पर कुछ परसेंट कर दिया, कुछ परसेंट है। तो भाई ठीक है, वीडियो एंड हो चुकी है। तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को, वीडियो को करना है भाई शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। उसके बाद आपको कमेंट करना है, बहुत अच्छा सा कमेंट करना। और भाई लोकेशन शेयर करो यार, लोकेशन ऐसी ऐसी लोकेशन, कोई भी लोकेशन हो, जरूरी नहीं यार कोई मतलब कि हॉन्टेड, मतलब कोई आप पहले बताओ हमको, कोई कोई भी जगह हॉन्टेड जगह हो, कोई बंद पुरान को फैक्ट्री आपके आसपास कोई भी जगह हॉन्टेड जगह जो आपको लगता हो, जो आपको लगता हो कि यार यह हॉन्टेड लोकेशन है, यहाँ पे भूतिया घटना होती है, उस जगह हम जाएंगे तीनों बंदे। और भाई मतलब कि कई भाइयों का कमेंट आ रही है भाई ये एक्टिंग तो नहीं, भाई ये एक्टिंग नहीं यार, जो हमारे साथ होता है रियल में हम वो ही दिखाते हैं भाई। और आपकी थ्योरी है भाई, आपको जो समझना है वो समझो, हमको आपको समझाने नहीं है, जहाँ कुछ होगा तो हम बताएंगे हमारे साथ ये हो रहा है, नहीं है तो भाई नहीं है वो यार, यही है। तो भाई टिल देन चैनल को प्यार दिखाते रहो ऐसे जैसे दिखा रहे हो। और भाई एक और बात बोल रहा हूँ, हमारे वीडियो इतने शेयर कर दो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह शेयर करो, ट्विटर पे, हर जगह वीडियो शेयर कर दो यार। तो बस यही था, लव यू आपको सबको, और भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।